Hello students, good morning all. I hope you all are fine and safe at your home. Students, as we all know that chapter number 3 उसके एक्सरसाइज से वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर की ही. ओके, सो आई होप आप सबकी एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक के अंदर डन हो गई होगी. ओके, सो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन आंसर का वर्क है वो रिमेनिंग है, वो हम उसके बाद वाले वीडियोस में देखेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन वेलकम टू आवर एसएस वीडियो क्लास. ओके, सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो का क्लास वी आर गोइंग टू इंट्रोडक्शन अबाउट थिंग्स इन रूम. हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो उसके बेस्ड ही है. सो ये वीडियो क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट थिंग्स. हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ओके, सो गेट रेडी फॉर इट. सो स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखा कि हिरोशी है वो अपने न्यू होम में शिफ्ट हो रहा है एंड देन उसके लिए उसने गृह प्रवेश पूजा रखी है. सो उसमें उसने क्या किया है, अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है. सो उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो सब लोग पूजा कर रहे हैं एंड देन पूजा के लिए वो सारे की सारी प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसके मदर उसके फादर. फिर हिरोशी है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि उसका घर है वो न्यू है. सो फिर जैसे ही पूजा हो जाती है ओवर देन वो क्या करता है, अपने सारे फ्रेंड्स को लेके अपना घर न्यू होम है वो दिखा रहा है. सो फिर उसमें क्या होता है, हमारे चैप्टर के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हिरोशी ने क्या दिखाया था, फॉर एग्जांपल लिविंग रूम दिखाया था. देन हिरोशी ने बेडरूम के बारे में बात की थी उसके फ्रेंड्स के साथ. देन किचन एंड देन लॉन, ये 4 थिंग है वो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर देख रहे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर. ओके, सो हिरोशी के जो फ्रेंड्स थे वो सबको हिरोशी का जो हाउस है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था. वाई, बिकॉज इट्स सो स्पेसियस, वो बहुत ही ज़्यादा एरी और बहुत ही बड़ा था और कंफर्टेबल भी था साथ में. सो उसके फ्रेंड से वो उसकी तारीफ कर रहे थे कि हिरोशी योर हाउस इज़ वेरी गुड. ओके, कि तेरा जो घर है हाउस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. सो फ्रेंड्स हम सबको भी पता है कि एग्जैक्ट लिविंग रूम के अंदर कौन सी थिंग होती है. फिर हिरोशी ने क्या बताया कि वो लिविंग रूम के अंदर क्या करता है. सो फॉर एग्जांपल हिरोशी ने वो भी बताया था कि वो लिविंग रूम के अंदर जब सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते हैं तब सब लोग कहाँ पे बैठते हैं, लिविंग रूम के अंदर बैठते हैं. देन बेडरूम के अंदर हम क्या करते हैं, स्लीपिंग करते हैं और हमारा जो पर्सनल वर्क होता है वो हम बेडरूम के अंदर करते हैं. देन बात करें हम किचन की तो किचन के अंदर हम क्या करते हैं, फूड कुक करते हैं ना. हमारे मम्मा है वो किचन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के खाना पकाते हैं, है ना. देन लॉन, लॉन है एक हमारा जो हाउस होता है उसका फ्रंट गार्डन है छोटा सा जिसके अंदर हम रिलैक्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गेम्स खेल सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ सकते हैं. ओके, सो ये थिंग है जिसके बारे में हिरोशी ने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया था. ओके, सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स ऑफ रूम्स. जो हमारे रूम्स है उसके अंदर कौन सी थिंग्स होती है इसके बारे हम ये वीडियो क्लास के अंदर देखने के लिए जा रहे हैं. गेट इट, सो नाउ एवरीवन बी रेडी. ओके, सो स्टूडेंट प्लीज फोकस हियर. सो दिस इज लिविंग रूम. ये क्या है, लिविंग रूम है. अब लिविंग रूम यानी कि क्या, हमारा जो हाउस है उसका मेन रूम भी बोला जाता है. वाई, बिकॉज यहाँ पे सब लोग मिलके एक साथ बैठ सकते हैं इसलिए हम इसको लिविंग रूम बोलते हैं. ओके, अब लिविंग रूम के अंदर कौन सी थिंग्स होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो
लिविंग रूम के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो कि विंडोज़ है, कर्टेंस है, विंडोज़ कर्टेंस ये तो मेन थिंग है, क्योंकि ये तो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज विदाउट विंडो तो एयर और सनलाइट है वो पास होता ही नहीं है, है ना। दैट्स व्हाई वी नीड विंडो। सो विंडो है, कर्टेंस है, देन आप देख रहे हो कि एंड टेबल, उसके ऊपर लैम्प है ना, फिर देन आर्म चेयर, चेयर भी है, देन सोफा है ना, क्योंकि हिरोशी ने जब अपने फ्रेंड्स को वो लिविंग रूम के लिविंग रूम में लेने के लिए गया, और जैसे उसने दिखाया कि पूरा हमारा ये वाला लिविंग रूम है, देन उसके फ्रेंड्स ने सोफ़ा देख के क्या बोला था, इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। सो सोफ़ा इज़ मेन थिंग ऑफ लिविंग रूम, सोफ़ा है वो लिविंग और लिविंग रूम का मेन थिंग है। देन पिक्चर फ्रेम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेचुरल सीन के रिलेटेड कितने सारे ऐसे फ्रेम्स है जो हम हमारे घर के अंदर रखते हैं लिविंग रूम में। देन लैम्प है, फ्लोर लैम्प, देन कॉफ़ी टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो बैठते हैं, तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल टी, फिर कॉफ़ी, देन शरबत, देन कुछ नाश्ता स्नैक्स वगैरह कुछ लेने उसके पास रखते हैं हम, तो कहाँ पे रखेंगे, टेबल के ऊपर, कॉफ़ी टेबल। देन बुक शेल्फ, बुक कैसे जहाँ पे रीडिंग के लिए बुक्स भी होती है। सो स्टूडेंट मोस्टली हम सब लोग लिविंग रूम के अंदर इतनी थिंग्स है वो रखते हैं, है ना। आई होप फिर इसमें ये पर्टिकुलर ऐसा कंपलसरी नहीं कि यही थिंग होती है, फिर क्या होता है अपने अपने हाउस के अकॉर्डिंग लोग अपने अपने तरीके से उसको शो करते हैं, है ना, उसको डेकोरेट करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने कोई कोई की हॉबी कितनी सारी ऐसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग की, वो कोई ट्रीज भी रखते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स पॉट भी रखते हैं। सो ऐसे अपने अकॉर्डिंग सब लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट ये हुई लिविंग थिंग्स की बात है। सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि मोस्टली लिविंग थिंग्स के अंदर हम कौन सी थिंग रखते हैं। जब भी आपको कोई पूछे तब आप उस इसमें से कोई एक है उसका नेम आप बता सकते हो। ओके सो आई होप आपको लिविंग रूम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। देन वी विल टॉक अबाउट बेडरूम। अब बेडरूम है वो क्या है, पहले तो बेडरूम है वो हमारा पर्सनल रूम है ना, एज वी ऑल नो अबाउट इट वेरी वेल कि बेडरूम है इट्स अवर पर्सनल रूम। बेडरूम के अंदर हम हमारा कोई भी पर्सनल काम है वो कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस के रिलेटेड वर्क होता है, हम स्टूडेंट है तो हमारा जो स्टडी के रिलेटेड वर्क होता है, फिर कोई भी थिंग ऐसी होती है तो हम कहाँ पे करते हैं, बेडरूम में करते हैं, बिकॉज इट्स अवर पर्सनल रूम। हमारा जो पर्सनल वर्क है वो हम सारा का सारा बेडरूम में बैठ के करेंगे, वो हम दूसरी प्लेस पे बैठ के नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड का होमवर्क है, ओके ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको अटेंड करना है या कुछ करना है आपको, तो हम किचन में नहीं जाते हैं, किचन में जाते हैं नो, हम कहाँ पे जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं करने के लिए। वाई, बिकॉज इट्स अवर पर्सनल रूम। सो आप देख रहे हो यहाँ पे बेडरूम के अंदर जितनी थिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, और आपको पिक्चर्स के साथ दिखाया है कि कौन सी थिंग है वो बेडरूम के अंदर यूज़ होता है। ओके नो डाउट हम हमारे अकॉर्डिंग भी लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेडरूम है वो डेकोरेट करते हैं, कितने सारों की हॉबी, कुछ कलर, फिर वॉल कलर, उसका जो पेंट है, फिर कितने सारों की ऐसी हॉबी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, बट मेन थिंग कौन सी होती है बेडरूम के अंदर, आज हम वो देखेंगे
कि लिविंग रूम और बेडरूम के अंदर बहुत ही फ़र्क है। लिविंग रूम है वो पूरा का पूरा एक फैमिली के लिए होता है, बेडरूम में हमारा हम पर्सनल वर्क करते हैं ना, हम पर्सनल रह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट आता है तो उसको हम बेडरूम में नहीं रखते हैं ना, उसको हम कहाँ पे रखेंगे, ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, है ना। सो यह डिफरेंट है सबके बीच में। ओके, सो अब हम बात करेंगे बेडरूम की। सो बेडरूम में यू कैन सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल बेड हम स्टार्टिंग किस से करेंगे, बेड से करेंगे। वाई? बिकॉज बेडरूम के अंदर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है, बेड, है ना। सो बेडरूम के अंदर बेड होता है, देन बेड है वो ऐसे अकेले तो होगा नहीं, ऐसे ही कोई बेड के ऊपर ऐसे नहीं सोता है डायरेक्टली, उसके ऊपर क्या रखेंगे, बेडशीट, मैट्रेस, ब्लैंकेट एंड पिलो, इतनी थिंग है वो बेड के ऊपर होती है, पिलो, बेडशीट एंड ब्लैंकेट, ये चीज़ें हम बेडरूम के अंदर रखते हैं। देन पिक्चर, पिक्चर दैट मीन्स व्हाट, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई भी फ्रेम आप रख सकते हो, है ना, हम रखते ही है, हमारे खुद के भी फोटोग्राफ्स होते हैं हमारे बेडरूम के अंदर, होते हैं ना, हमारे खुद के फोटोग्राफ्स हम बेडरूम के अंदर रखते हैं, कोई नेचुरल के रिलेटेड है फ्रेम तो उसको भी हम बेडरूम के अंदर ही रखते हैं। देन चेयर, चेयर एंड डेस्क, मैंने बोला ना अभी कि डेस्क है वो तो हमें ज़रूरी है ही, वाई, बिकॉज बेडरूम के अंदर हम हमारा पर्सनल वर्क करते हैं। अभी आप क्या है कि हमारा जो वीडियो का है, फिर आप अपना होमवर्क सारा का सारा करते हो तो आप किसके ऊपर करते हो, डेस्क के ऊपर, तो उसके लिए चेयर की ज़रूरत भी पड़ती है ना। सो बेडरूम के अंदर चेयर एंड डेस्क, दे बोथ आर इम्पोर्टेंट, ये दोनों चीज़ होती है बेडरूम के अंदर। देन नेक्स्ट वन, आप देख रहे हो कि लैम्प है, देन अलार्म क्लॉक एंड नाइट टेबल। नाइट टेबल दैट मीन्स क्या, कि जो नाइट लैम्प है वो भी हम रखते हैं ना, हमारा जो बेड होता है उसकी बाजू में ही हम रखते हैं नाइट लैम्प। देन अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक है वो तो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर जब हम स्कूल जाते हैं तब, अभी तो हम स्कूल नहीं जाते हैं, सो अभी हम जब चाहे तब उठ सकते हो, उठते हो आप जल्दी उठते हो, यस, वाई, बिकॉज आवर असेंबली इज रनिंग, हमारी असेंबली तो स्टार्ट ही होती है, सो असेंबली में ज्वाइन होने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है ना, बिकॉज हमारे वीडियोस भी आ जाते हैं डेली के, सो आप सब लोगों को तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, है ना। सो इसके लिए अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। सो कितने सारे ऐसे होते हैं विदाउट अलार्म भी उठ सकते हैं, है ना, पर कितने सारे को ज़रूरत पड़ती है, अगर अलार्म ना बजे तो हम उठ भी नहीं पाते, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं। सो हम हमारे बेडरूम के अंदर अलार्म रखते हैं। देन कारपेट, बेडरूम के अंदर कारपेट होता है, रग, वो भी हम बिछाते हैं। देन बुककेस, जो भी हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स है, जिसका हमें बहुत शौक है रीडिंग करने का, कितने सारों की हॉबीज है वो भी रीडिंग होती है, सोने के पहले कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग करके ही सोते हैं, ये गुड हैबिट है, बहुत ही अच्छी रीडिंग की हैबिट अगर हमें है तो ये बहुत ही अच्छी है, गुड हैबिट है। सो बुक केस, वार्डरोब, अब वार्डरोब के अंदर क्या होता है, कबर्ड है रोर के जैसा, जिसके अंदर हम हमारे सारे कपड़े हैं वो सब रखते हैं। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, ड्रेसर, ड्रेसर से यानी, ड्रेसर यानी कि क्या, हमारा जो ड्रेसिंग टेबल होता है जिसके सामने हम रेडी हो सकते हैं, मिरर हमारा बड़ा होता है उसके अंदर। ओके,
अगर हमें स्कूल के लिए रेडी होना है तो हम ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर रेडी हो सकते हैं। टेन ड्रॉर, ड्रॉर के अंदर भी कितनी सारी ऐसी छोटी छोटी थिंग्स होती है उसको हम रख सकते हैं, वो है ड्रॉर। ओके सो स्टूडेंट, ये बात हुई बेडरूम की। सो बेडरूम के अंदर हम इतनी थिंग्स है वो रखते हैं ओब्वियसली। ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेडरूम है वो हमारा पर्सनल रूम है, उसके अंदर हम हमारा पर्सनल जो भी वर्क है वो सारा का सारा हम करते हैं। ओके सो ये थिंग्स है वो हम बेडरूम के अंदर रखते हैं और आप अपने आप से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आपको कोई पूछे कि हमें टू थिंग्स बताए जो हमें बेडरूम के अंदर हम फाउंड कर सकते हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन एनी टू थिंग्स फ्रॉम हियर। ओके आप इसमें से कोई भी टू थिंग्स है वो लिख सकते हो। ओके गेट इट? ओके सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट किचन। अब स्टूडेंट किचन है एक ऐसी थिंग है, देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट रूम है वो हम किचन को बता सकते हैं। वाई? बिकॉज उसके अंदर फूड है वो कुक होता है ना। हम कुछ ना करें तो चल सकता है बट अगर हमें खाना ही ना मिले सो वी कांट लिव, वी कांट वॉक, वी कांट स्लीप। एज वी ऑल नो दैट जब हमारे पेट में भूख लगती है तब हमें कुछ नहीं सूझता है, कब खाना मिले कब खाना मिले, हम वही सोचते रहते हैं, है ना। सो ये किचन है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है और किचन ही एक ऐसी प्लेस है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। वाई? बिकॉज हम कितनी सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिशेस है वो बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल है वो उसको हम लेके आते हैं मार्केट से। सो वो सब हम कहाँ पे रखते हैं? किचन के अंदर रखते हैं। सो दैट्स वाई किचन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉफ़ी मशीन। ओके ये हमारे किचन के अंदर होता है। वाई? बिकॉज हम डेली कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। देन है स्टोव एंड ओवन ऑल्सो। स्टोव है उसके ऊपर ही तो हम सारी की सारी हमारी जो थिंग्स है वो बनाते हैं। ओवन के अंदर तो हमारा जो सबका फेवरेट होता है पिज़्ज़ा, वो सब हम बना सकते हैं। देन चेयर, चेयर और उसके अंडर साइड में है टेबल। टेबल एंड चेयर ये थिंग है वो हम किचन के अंदर रखते हैं क्योंकि हमें वेजिटेबल्स कट करना है या कोई हम मिक्सर के अंदर ग्राइंड करना है तो वो सारी की सारी थिंग्स हम कहाँ पे कर सकते हैं? टेबल में कर सकते हैं। सारे के सारे वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है वो हमको रखना है। सो कितने सारे यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं सो हम कहाँ पे रखते हैं? टेबल के ऊपर। देन टीपॉट, यस टीपॉट का भी यूज़ हम डेली कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में। एज वी ऑल नो दैट हम सबको एक हैबिट होती है कि सुबह उठ के सबसे पहले कोई लोग मिल्क पीता है, देन कोई किसी किसी की कॉफ़ी की हैबिट होती है, किसी किसी की टी की हैबिट होती है। सो टीपॉट है उसके अंदर हम टी है वो रखते हैं। देन टोस्टर, टोस्टर भी डेली ब्रेकफास्ट के अंदर हम सबको चाहिए ही होता है, इतने सारे लोग खाते हैं तो वो टोस्टर है। देन सॉल्ट शेकर वो भी इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज विदाउट सॉल्ट तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। माइक्रोवेव इट ऑल्सो थिंग्स, फ्रीज़र यानी कि रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र। ओके ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज फ्रिज के अंदर तो कितने सारी ऐसी थिंग्स है वो स्टोर करता है, वो खुद इतना सारा हमारा रखता है ना। क्योंकि फ्रिज के अंदर अभी जो समर का टाइम हो रहा है तो समर के अंदर तो हम जब स्कूल से घर जाते तब हमको पता है कि कितनी ज़्यादा धूप होती है, तब हम सबसे पहले पानी कहाँ से लेते हैं? फ्रिज से लेते हैं क्योंकि तभी हमको मज़ा आता है चिल्ड वाटर पीने में। देन गार्बेज कैन इट ऑल्सो पार्ट ऑफ किचन।
ये भी इम्पोर्टेंट है. वाई? बिकॉज डस्टबिन किचन के अंदर तो जब वेजिटेबल कट्स होता है, फ्रूट्स कट होते हैं, कितने सारे डिशेस हम बनाते हैं उसके लिए अलग अलग मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पैकेट्स कितने सारे होते हैं, तो वो सब यूज़ कर जो वो सबका जब यूज़ हो जाने के बाद आफ्टर यूज़ हम कहाँ पर थ्रो करते हैं? डस्टबिन में, तो वो गार्बेज कैन. ओके, और उसके साइड में सारे फ्रूट्स के नेम दिए हैं. ओके, सो ये थिंग्स है वो किचन के अंदर होते हैं. कितने सारे अनटेंसेस है ये भी हम सबको पता है कि किचन के अंदर तो बहुत सारे अनटेंसेस होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किचन की कितनी सारी थिंग्स है वो. ओके, देन बाथरूम. अब बाथरूम की हम बात करें तो बाथरूम के अंदर कौन सी थिंग्स होती है? लेट्स सी, बाथ टब जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं, देन फॉसेट. ओके, देन शोर है ना, जो शोर के अंदर ही हम बात करते हैं, सिंक, सोप, टॉयलेट, टॉयलेट पेपर, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस, शोवेल, रेजर एंड कॉम्ब ऑल्सो. ओके, ये सारी की सारी थिंग है वो किसकी है? बाथरूम की. बाथरूम के अंदर हम सारी थिंग्स है वो रखते हैं है. ओके, अगर आपको कोई पूछे कि कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स बाथरूम के बताओ तो आप इसमें से कोई भी टू है वो लिख सकते हो. देन लॉन. लॉन के अंदर एज वी ऑल नो दैट लॉन है वो भी एक हमारा हाउस का ही पार्ट है. वो जो फ्रंट पार्क मीन्स के पार्क जैसा होता है, छोटा सा गार्डन, उसको हम लॉन बोलते हैं. लॉन के अंदर हम रिलैक्स फील कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ सकते हैं और कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गेम्स भी खेल सकते हैं. ओके, और यहाँ पे रिलैक्स फील कर सकते हैं. हिरोशी ने भी अपने फ्रेंड्स को बताया था कि सबसे बेस्ट प्लेस है वो कौन सी है, लॉन है. उसने उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ ही अग्रे थे कि यहाँ पे हम अच्छी तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट आज के वीडियो के अंदर हम सब लोगों ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो रूम्स हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स होती है. ओके, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू एवरीवन.